एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोफेशनल व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं रामनगर आई हूँ, तो अभी ना मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना अच्छा मस्त मौसम है ना, ठंडा मौसम, और उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे ना बैंक में थोड़ा काम था तो मम्मा मार्केट जा रही थी तो मुझे कहते कि तू भी चल, नहीं तो बाद में तू मुझे परेशान करेगी कि मेरे साथ चलो चलो। तो फिर मैं अभी मम्मा के साथ जा रही हूँ मार्केट, और अभी सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं हम इस व्लॉग की शुरुआत, और गाइस साथ में ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, तो आईडी मैं नीचे मेंशन कर दे रही हूँ। तो अभी ना मैं जल्दी जल्दी से ये रेडी हो गई हूँ, और मैंने ये सूट तो लेके आ गई थी लेकिन इसका ना दुपट्टा घर पे ही भूल गई थी, तो मुझे दुपट्टा इसका मैचिंग मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ये वाला अंदर पड़ा था, ये प्योर का दुपट्टा है और साथ में गिरता भी नहीं है बार बार, तो फिर मैंने ना ये दुपट्टा ले लिया। और अभी ब्रेकफास्ट करके मैं और मम्मा जा रहे हैं मार्केट, अभी हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और आज ना मौसम ठंडा हो गया, वैसे धूप नहीं है, नहीं तो गर्मी से ना बुरा हाल हो जाता। तो अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं, और बैंक में पता नहीं कितनी ज्यादा भीड़ होगी, तो चलो देखते आगे जाके। अभी ना हमारा जो SBI में काम था वो कंप्लीट हो गया, तो अभी हमें जेके बैंक में जाना है, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे काम है। लेकिन अभी मम्मा ने बताया कि जेके बैंक में ना वहाँ पे वो कोविड टेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे कोविड टेस्ट नहीं करवाना है, तो अभी आगे तक देखते क्या होता है, करवाना ना पड़े मुझे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अभी ना जेके बैंक में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें एक भैया बता रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे रुक गए, तो मम्मा कह रहे थे कि वो मेरे को दौड़ने के देना है, तो मैं यहाँ पे ये पसंद कर लेती हूँ, साथ में टाइम पास हो जाएगा, साथ में ना बाहर बारिश स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा, और तब तक कोरोना टेस्ट भी हो जाएगा। अभी हमें बैंक के लिए निकलना था लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो 2 मिनट यहीं पे देख लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, 12:30 होने वाले हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बैंक वाला काम तो हम कर आए, और अभी मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो ये भैया ना कुलचे बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो मैंने मम्मा कहा कि कुलचा नहीं खाएंगे हम, टोस्ट बना के खा लेंगे, तो मैंने अभी भैया को बोला कि हमारे लिए गर्मा गर्म 2 टोस्ट बना दो और एकदम करारे करना, तो अभी भैया बना रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इन्होंने ये बटर लगा दिया इसमें, तो मैंने भैया को कहा कि इसमें ना ज़्यादा बटर लगाना, ताकि दोनों साइड से ना ये बिल्कुल कड़क होने चाहिए, और अनियन मैंने बोला था कि मतलब थोड़ा ही डालना, तो अभी ये कटिंग करके डाले इन्होंने ना, पहले से कटिंग करके नहीं रखा होता है, तो अभी ये डाल दिया अनियन, और अब इसके बाद कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे। आज पता क्या हुआ, एक बात ना अच्छी होगी, हम जैसे ही बैंक में गए तो वो कोरोना टेस्ट वाले ना उठ गए थे, नहीं तो आज फिर से मुझे टेस्ट करवाना पड़ता, और हमारे रामनगर में ना ये बहुत है कि बैंक में जाओगे तो पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना ही करवाना है। और आज ना मेरे वैसे कोई काम नहीं होता, मुझे 2-3 काम थे, ATM के लिए अप्लाई करना था, पहले भी मैं बहुत बार आई तो वो उस टाइम पे होता ही नहीं था, पता नहीं क्या इशू है, कुछ इशू है ये वो, तो आज हो गया, लेकिन फिर से एक काम और था वो रह गया, तो वो कहते कि अब वो 15 दिन के बाद होगा, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने उन्हें कहा कि यार मैं डेली तो नहीं आ सकती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम कर देते हैं, तो जो छोटा मोटा रह गया वो मैं बाद में करवा लूँगी। अभी हम पहुँच गए घर, और सुबह ना इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था, और अभी वैसे धूप तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी हो रही है। दिया मेरे लिए पानी लेके आना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और हमने ना कुलचे लिए थे तो वहाँ पे मन नहीं किया खाने का, तो हमें ये था कि घर जाके खाएंगे, तो अभी वो ठंडे हो रहे हैं तो पहले वो खा लेते, और साथ में मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। अभी कुलचा खा के ना मुझे ना नींद आने वाली थी, बहुत ज़्यादा नींद आ भी गई थी, सो गई थी मैं 10%, लेकिन इनका कॉल आ गया, तो नीतू ने उठाया था तो वो कह रहे कि कॉल आ रहा है, तो अभी मैं उठ गई, और साथ में अभी लंच नहीं किया था, तो वैसे ना हम मार्केट में चले गए थे, और भाभी भी बिजी थे, वो होम ट्यूशन के लिए चले जाते हैं, तो फिर दिन का खाना हमने बनाया नहीं था, तो अभी ये बनाए बिरयानी बनाई है, बिरयानी मतलब पीला भात, तो अभी हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं ना अभी अभी सोई थी और ये आ गया मुझे परेशान करने, कैसे कर रहा था मुझे क्यूटी पाई करना फिश करते, और गुदी गुदी कैसे करते है,
कैसे करने है? मैं भी करूँ गुटी 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 गुटी। अभी मुझे भी करो नूनू मुझे करो। गुटी पाई। आपका नाम क्या है? पिल्लू नहीं है, क्या नाम है आपका? प्रियांच। और मैं कौन हूँ? दीवू नहीं हूँ, दीदी हूँ। दीदी बोलो, दीदी बोलो, हेलो हेलो बोलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोलो, जीजू बोलो, आजो आजो, घूमी घूमी चलते हैं, बोलो बाय। चलो नहीं, मैं दीदी हूँ, चलो फिर बाहर चलते हैं घूमी घूमी। यस यस माँ, चौको चौको पता नहीं, आई डोंट नो। अभी ना डिनर करके हम मतलब सब अपने अपने सोने आ गए हैं। तो मेरी बहन है जो वो मेरे साथ ही सोती है, और मम्मा वरियांश के साथ सोए हैं। तो हमारी ना पहले वाली आदत है, क्योंकि हम जब रात को पढ़ते थे दोनों साथ में पढ़ते थे, तो जब कोई 12-1 बजना है ना, तो हम दोनों ने क्या करना है हम पता क्या करते थे, आधी आधी रात को उठ के पढ़ना। पता नहीं ये होता था हमें कि नहीं होता था, लेकिन ये होता था कि रात को उठ के हमें या तो लेमन जूस पीना है, या तो ब्लैक टी पीनी है, कॉफी ये वो। और मतलब जब हम किचन में जाते थोड़ी बहुत तो आवाज हो ही जाती थी, और कुछ ना कुछ तो हमसे गिरता ही था। और मम्मी ना हमेशा हमें डांटती थी, इनको ना भूतों को आधी रात को कुछ खाने की आदत है। और आज भी हम ना कुछ ऐसे ही करने वाले थे। मेरी बहन कहती कि दी मैं ना कुछ कॉफी वगैरह बना के लाती, क्योंकि अभी हो रहे रात के 12:30। तो मैंने कहा यार कॉफी छोड़ दू, मम्मा उठ जाएंगे। मम्मा ने बोला ये तो बदतमीज अभी भी नहीं सुधरे हैं। तो अभी हमने ये मेरी बहन ने जूस निकाले हैं, फ्रूटियां पड़ी थी तो फ्रूटियां निकाली हैं, और एक मुझे दी और एक खुद को, और इसने कुरकुरे निकाले। इतनी ज्यादा चिल्ली है ना उसमें, तो मैंने इसको मना किया। साथ में मैं आपको बता दूं, ये ना बीमार है, अभी 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन इसको ना फिर भी शर्म नहीं है, इसको खाना है। इसको मैंने मना किया कि मत खा, इसको अभी भी इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, लेकिन इसको बिल्कुल वो नहीं है। तो इसका मे भी कुछ एग्जाम वगैरह है, तो उसके लिए फिर हम इसको ज्यादा मना नहीं करते, जो इसका दिल करते तो खा ले पी ले, बस पढ़े और अपना ध्यान रखे। तो अभी हम ये चीज एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ये सब ना मतलब मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, तो सब ताजा हो जाता है, मतलब पुरानी यादें सारी ताजी हो जाती हैं। और फिर ये जिंदगी के मजे तो कहाँ। तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी कोई बात नहीं, कर ले तो भी मजे, पढ़ ले, अभी 3-4 साल हैं तेरे पास, पढ़ाई कर ले अपनी अच्छे से और मजे कर ले जैसे मैं करती थी। लेकिन मैं तो अभी भी बहुत मजे करती हूँ। मेरी और मेरी बहन की पार्टी चल रही थी ना, तो अभी हमारी ये भाभी भी आ गई यहाँ पे, और अभी आधी रात को ना हमें नेल पेंट लगाने की सोच रही है। तो मैंने ना ये वाली नेल पेंट लगाई थी आज, तो शादी के बाद ना फर्स्ट टाइम मैंने ये कलर लगाया। तो मेरी बहन कहती कि यार मुझे ना नेल पेंट लगानी है, तो मैंने इसको बोला कि यार मैंने 2-3 ही लाई है, तो तू देख ले तूने कौन सी लगानी है। तो मैंने कहा कि ये वाला कलर ना अच्छा है, तू लगा ले एक बार लगा के तो देख। मेरी बहन कहती कि मुझे ना इसको देख के ना कुछ बड़ी गंदी सी फीलिंग आ रही है ये कलर देख के, तो कहती कि मैं नहीं लगाऊंगी। मैं तू रहने दे, वैसे भी तू लगाएगी नहीं, ये कलर तो बड़े लोग ही लगाते हैं। तो भाई साहब भी ना कमेंट सेक्शन में जरूर होता ना, सच में ये कलर बड़े लोग लगाते। तो मेरी बहन कहती मुझे तेरे जैसे बड़े लोग नहीं बनने, तो ये कलर मैं कभी नहीं लगाऊंगी। तो अभी ये पिंक कलर लगा रहे। वैसे मेरी भाभी ना मुझे लग रहा है पता नहीं क्या बना रही है आज, ट्रायंगल त्रिकोण ना पता नहीं क्या क्या बना देगी ये। पहले इसने ये वाला कलर लगाया और अभी पिंक कलर लगा रही है, और उसके बाद मुझे लग रहा है रेड पे जाएगी, अभी देखते हैं। और दिन में पता नहीं कहाँ सोई थी ये, और आधी रात को इनको नेल पेंट लगाने की सोच रही है, ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। भाई आपके तो ऐश है, और मुझे यहाँ मैं अरमान नहीं क्या बोलते हैं, आराम फरमाने आई हूँ मैं तो कह रही हूँ अरमान, मुझे अरमान ही याद आ रहा है, मैं आराम फरमाने आई यहाँ पे, तो मुझे सोने दीजिए। यहाँ पे नेल पेंट, और यहाँ पे भी इसने भी नेल पेंट, और आगे बुक्स खुली हुई है, पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई हो रही है इसकी, और इसकी नेल पेंट। वैसे ना इतनी ज्यादा हमारे यहाँ ठंड भी नहीं है, लेकिन मेरी बहन को बहुत ठंड लग रही थी, तो ये ब्लैंकेट उठा के ले आई है स्टोर रूम से। और गाइस इन लोगों ने तो सोना नहीं है, और मुझे अभी थोड़ा काम है, ब्लॉग एडिट भी करना है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आने वाला जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना, तो उसमें भी हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हमारा ना कहीं प्लान बन रहा है घूमने जाने का, तो अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये ना मुझे बहुत तंग कर रही है, तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।